Hello all the beautiful people out there. I'm your very own Danish Taimoor. Hi guys, this is Sohai. Favorite song kaun sa hai film ka? Favorite song Kundi. Kyun? Because usko shoot karne mein maza bahut aaya tha, you know. It's reason being ek to wo gana bhi acha hai. Usme mujhe 3 din ki jagah 4 din lag gaye the. Wo tumhari dress ka bhi koi masla hota raha. Dress ka masla ho gaya tha uski wajah se. Nahi, lekin us gaane ki jo beat hai na, zara zyada upbeat. Because मुझे इस तरह का म्यूजिक पसंद है पर्सनली। अब बीट भी है और उसमें एक पाकिस्तान का मेरे ख्याल से एक फ्लेवर है। फ्लेवर है उसमें ना? हाँ, उसका वो रीजन है मेरे ख्याल से। तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा यार कुंडी भी है और एक गाना जो मैं तूबा के साथ किया है। जनन जनन। जनन जनन। That's a very nice song. It's been shot. तूबा is a really good job. It took 3 days to complete, but वो कहाँ शूट हुआ था दानिश? यार different location थी, सीन अलग-अलग जगह थी, लेकिन बहुत enjoy किया। मुझे बड़ा पसंद है उसका yacht का shot है, yacht पे it looks very nice, interesting। अच्छा और ये बताओ यासर भाई के साथ काम करके कैसा लगा? This is my third time working with यासर, and my first serial as the main lead, my debut serial was with यासर, so I take him like a mentor that way, and I really respect him. तो उस वजह से मैं कंफर्टेबल भी बहुत थी और जब भी यासर कुछ करते हैं ही कॉल्स मी कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट सो व्हेन ही कॉल्ड मी आई वाज लाइक थैंक गॉड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस आई वाज रियली हैप्पी दिस इज योर फर्स्ट टाइम वर्किंग विद यासर है ना विद यासर व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस Yeah, it was a learning experience altogether. Wrong Number was not only a movie for me; it was a whole journey. जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बड़ा enjoy किया हमने, और फिल्म की शूट इतनी smoothly चली है. Normally फिल्म जो होती है, उसको complete होने में एक साल, दो-दो साल लग जाते हैं. हमारी फिल्म मेरे ख्याल से चार महीने में complete हो गई थी. और इसका सारा credit जाता है एक तो पूरी टीम को, YNH की जो पूरी टीम थी, वो बहुत अच्छी थी. फिर सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है यासिर भाई को, यासिर नवाज को. उनका जो जितना होमवर्क होता था उसका तब ब्रिलियंट था फिल्म स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा तकरीबन फिल्म स्टार्ट होने से 3-4 महीने पहले था, तो मेरा रोज़ाना आना जाना होता था. बट आई थिंक यासिर हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस फिल्म फॉर द पास्ट 2 years. या सिंस ही ऑलवेज स्पीक अबाउट हाउ ही विल मेक अ फिल्म एंड ही वांट्स टू मेक अ फिल्म. And finally, when he called me for the film, I was really happy because he was actually making it now. अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की है, तुम सेट पे सेल्फीज क्यों लेती हो? Because मुझे सेल्फीज अच्छी लगती हैं. और तुम्हारे चक्कर में हमें एक गाना बनाना पड़ा सेल्फी. Which is a very good thing, you know, because सेल्फीयां आजकल बहुत इन है यार. आजकल हर कोई सेल्फीयां लेता है. और मैं बहुत सेल्फीज लेती हूँ. I think all but आजकल लड़कियों का नहीं है बाय द वे. जितना हमारे पास स्पेयर टाइम होता था, मैं अगर स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और पढ़ते हुए एक आध उधर मेरी सुहाय पे चली गई, सुहाय भी ये करी होती थी. सारा दिन ये करती रहती थी. आई थिंक ऑल गर्ल्स डू इट. अब तो लड़के भी करते हैं, प्लीज नॉट जस्ट गर्ल्स. तुमने कभी मुझे कोई सेक्सी लेते हुए देखा शर्ट के ऊपर सोचा? नहीं. बिकॉज़ तुम अपने फुल फुल उस मोड में होते हो. नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता हूं. तुम जरा कूल होते हो, मैं जरा ऐसे. दानिश दानिश एक क्वेश्चन. जी जी बोलिए बोलिए. प्लीज वन क्वेश्चन सर. मी इट्स मी. हां जी बोलिए जी आप. माय क्वेश्चन इज के आपने जो इससे पहले फिल्म की थी जलेबी, उसमें भी आपके डायरेक्टर का नाम यासिर था और इस बार दोबारा आपके पास यासिर है. आपको यासिर नाम से कोई मौका मुझे क्या है? नहीं, मुझे लगता है यासिर इज माई लकी चार्म. दोनों दफ़ा इत्तेफाक है कि यासिर जसवाल और इस बार यासिर नवाज के साथ काम करने का मौका मिला. इससे पहले कभी मौका ही नहीं मिला था यासिर भाई के साथ टेलीविजन भी करने का. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और लकीली फिल्म के लिए किया, तो देखिए क्या बनता है. अच्छा दानिश, फॉर एग्जाम्पल आपको इस फिल्म के बाद ना अगस्त में दो फिल्में ऑफर हो जाएं. हो गई है मुझे, हो गई है. पता है आप शो ना मारे अगर यासिर जसवाल एक फिल्म बना रहे हैं और यासिर नवाज एक फिल्म बना रहे हैं, जी अब डेज आपकी कुछ ऐसी है कि आप कोई एक फिल्म कर सकते हैं, तो आप कौन सी फिल्म? नहीं नहीं, आप मुझे जानती नहीं है, मैं दोनों फिल्म करूंगा. फिर मैं डेट्स मैनेज कर लूंगा.